डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास नाइन्थ के लिए। नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ा था, 1.6 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए अब आगे आते हैं। तो अगर बात किया जाए एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास नाइन्थ के लिए नंबर सिस्टम, उसमें टोटल एक्सरसाइज 1.6 था और हम लोगों ने 1.6 तक की पूरी चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी किया। चलिए उसके बाद, चूंकि अभी जितना भी हम लोग का मैथ का सिलेबस है उसमें से फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम खत्म हो गया है, तो अब आइए अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं आज, जिसका नाम है पॉलीनोमियल। एनसीईआरटी बुक के से आप देखेंगे तो दूसरा चैप्टर में है पॉलीनोमियल। तो हम लोग जो पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं वो क्या है? पॉलीनोमियल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल होता क्या है, किसको कहते हैं, इसका पहचान क्या क्या है, सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीनोमियल से पहले एक कुछ दो तीन तो फार्मूला है जिसका हम लोगों को यूज करना होगा। तो आप पहले उस फार्मूला के बारे में लिखिए कि वो फार्मूला क्या है। तो चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो अभी हम लोग वैसा चीज को सीखेंगे जो 2.1 एक्सरसाइज में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉलीनोमियल में सबसे पहले कुछ फार्मूला। तो फार्मूला जहां तक का बात है, ये फार्मूला बहुत पुराना होगा, हो सकता है आपको याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ए स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बाद में आप 2ab भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके का एक और फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा इंपोर्टेंट फार्मूला, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ब्रैकेट, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी a माइनस बी को लिख सकते हैं, बाद में भी a प्लस बी को लिख सकते हैं। तो ये तीन इंपोर्टेंट फार्मूला है जिसका हम लोग यूज करेंगे इस पॉलीनोमियल चैप्टर में। ठीक है, कौन कौन सा भाई? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों में क्या फर्क है कि 2ab के साथ है जो साइन लगा है, सिर्फ वही हम लोगों का चेंज होता है। ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तब हम लोग कैसे लिखेंगे? तो a प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी पहले लिख सकते हैं, a प्लस बी जस्ट उसके तुरंत बाद लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये फार्मूला को आप बेहद ढंग से अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि आखिर पॉलीनोमियल क्या है। तो अब टॉपिक बनाएंगे पॉलीनोमियल, पहले चैप्टर बना लीजिएगा ढंग से और फिर हम लोग फार्मूला के बाद पॉलीनोमियल के बारे में लिखेंगे। तो पॉलीनोमियल का टॉपिक बनाएंगे, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल द अलजेब्रिक, अलजेब्रिक लिखने आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ओ एन, ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव
कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का स्पेलिंग लिखा हुआ बोर्ड पे CONSIDERED, कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट का स्पेलिंग एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल फुल स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीनोमियल ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि पॉलीनोमियल का मतलब क्या सीखे। पॉलीनोमियल का मतलब यह हुआ कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक का मतलब ए बी एक्स वाई जेड ये सब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको एक वेरिएबल के रूप में कंसीडर किया जाना। कंसीडर का मतलब होता है मान लिया जाना। जैसे हम लोग अक्सर मैथ्स में मानते हैं कि लेट माना कि किसी वस्तु का मूल्य है, लेट द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक सारी बनानाज टेबल इटीसी एटसेट्रा विल बी एक्स। हम लोग एक्स मानते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, वही वेरिएबल के रूप में हो जाता है और उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि पॉलिनोमियल क्या है तो आप ये बोलिएगा कि चूंकि मैथ्स में किसी भी चीज को अननोन वैल्यू को सॉल्यूशन लाने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते क्या है, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल तरह तरह के हैं तो उसके नीचे एग्जांपल लिख दीजिएगा। जैसे मान लिया कि 2t+4 ए भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ABCD लेटर का यूज हुआ है टी। अगर मान लिया 3x²4x+8 ये भी क्या है तो पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल होना जरूरी होता है। जैसे यहां पे वेरिएबल कौन सा है एक्स, यहां पे वेरिएबल कौन सा है टी, तो यहां पे लिखेंगे कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन किस वेरिएबल में है तो एक्स के टर्म्स में है, एक्स के वेरिएबल में है, ये टी के टर्म्स में है। अच्छा अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4y³+3y+ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ भाई पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है कोई भी चीजें कंसीडर्ड किया जाता है, माना जाता है। तो यहां पे अपने तरफ से माना हुआ बात क्या है y, तो ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल तो हम लोग पढ़े कि कोई भी चीजें कंसीडर्ड किया जाता है तो हम लोग उसी कंसीडर्ड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। तो उसका एग्जांपल 2-3 ठो अपने तरफ से भी और एक आध ठो लिख सकते हैं। जैसे मान लिया 4x² या फिर x के पावर 5 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, -3x भी हो सकता है, -10 भी, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है कि वहां पे क्या कोई वेरिएबल अपने तरफ से माना गया है, तो वेरिएबल अब क्या होता है,
तो A to Z यानी कि अल्फाबेट का कोई भी लेटर वो किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो वो वेरिएबल के कैटेगरी में रखा जाता है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल के टर्म्स में है, वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल, तो इसीलिए बोलेंगे कि ये सब सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का कहां कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि किस 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 अवस्था में, किस किस परिस्थिति में, किस किस सिचुएशन में पॉलिनोमियल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बात को, हम जो बोल रहे हैं किस किस केस में पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल आर नॉट एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नॉट एग्जिस्टेंस अब पॉलिनोमियल कहां कहां नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल में है, कौन सा पॉलिनोमियल में नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि पॉलिनोमियल नॉट एग्जिस्टेंस जो है कहां कर कहां कहां करता है। तो सबसे पहला सिचुएशन तो ये कि कोई भी वेरिएबल का पावर, यहां पे लिखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल आर नॉट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यहां पे हम लोग लिखे कि कब कब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, यानी कि किस किस सिचुएशन में आप ये बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये नॉट एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब कौन कौन सा केस में। तो नंबर वन सिचुएशन, फर्स्ट इज अ पावर ऑफ वेरिएबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा बताते हैं, आप लिखते चलिए, पावर ऑफ वेरिएबल इन माइनस वैल्यू। चलिए ये दो क्वेश्चन दो पार्ट में समझ रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल जो है कहां कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉलिनोमियल कहां कहां नहीं होता है। तो पहला ये कि कोई भी पावर वेरिएबल का जो पावर होगा अगर फ्रैक्शन में होगा तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर में अगर माइनस होगा तब भी हम उसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं। जैसे मान लिया कि अगर एग्जाम्पल ऐसा रहेगा कि 2√t + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसको बोलेंगे कि भाई दो का तो दो लिखा, अब इस t के पावर 1/2 ही लिख ही सकते हैं। हम लोग पिछले दिन ही पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन को रूट में लिखा रहता है तो ऊपर जाता है तो 1/2 हो जाता है और +3। यहां पे भी हम क्या बोले कि अगर कोई भी वेरिएबल किसको कहते हैं, x, y, z, t, ये सब वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आ जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। तो यहां पे आंसर हो गया ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, जरा एक और एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा कुछ अगर करके सवाल आ गया 3/x + 4x² + 8, ऐसा करके आ गया,
तब क्या ये पॉलिनोमियल है, तो जरा चेक करते हैं। यहां पे हम क्या बोले कि कोई भी अगर पावर ऑफ वेरिएबल फ्रैक्शन होगा तब भी यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, अच्छा एक और केस में नॉट एग्जिस्ट करता है पॉलिनोमियल, वो कौन सा केस है, वो जब भी अगर पावर माइनस में रहेगा तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे 3/x देख रहे हैं, 3/x है तो जो 1/x है उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 बच जाता है, मतलब कि अपोजिट हो जाता है। ये 1/x है, इसको अगर ऊपर ले जाना चाहेंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, प्लस 4x² + 8x, ये क्या होगा, ये भी नॉट पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि दो चीजें आपको याद रखना चाहिए बहुत ध्यान से कि कब कब पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो जब किसी भी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन हो या फिर किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस में हो तब हम उसको बोलेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में सीखे, पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका सीख गए। कोई भी अगर एक्स वाई अगर रूट में दिख जाए ना वो समझो कि नहीं होगा, क्योंकि रूट को हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो कोई भी रूट में रहे क्यूब रूट में रहे वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर कहीं एक्स नीचे की ओर दिख जाए, देखिए 3 है 4x² है तो x² तो ऊपर है ना, बटन में नीचे अगर कोई एक्स रहे वाई रहे जेड रहे तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, हम लोगों ने ऐसा सीखा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना। अब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो चलिए उसमें देखते हैं। अब टॉपिक बनाया जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें लिखा जाए द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल are called degree of polynomial लिखा हुआ बोर्ड पे degree of polynomial। चलिए चलते हैं, तो अब जरा हम लोग सीखते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो लिखा गया कि कोई भी पॉलिनोमियल क्यों ना हो, अगर उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट वैल्यू कोई भी नंबर रहेगा तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतना ही होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देते हैं, पहला अगर सवाल रहता 3x + x^6+8, इसमें डीओपी का वैल्यू कितना है, डीओपी का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डीओपी, तो इसका डीओपी का मान कितना होगा, तो पावर देखिए वेरिएबल का पावर, तो यहां वेरिएबल कितना है एक्स, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो उसको समझा जाता है 1, एक्स के पावर अगर कुछ नहीं है उसको क्या समझा जाता है कि यहां पे 1 छुपा हुआ है। जैसे अगर आपको पहले बताया जाता होगा कि हम 10 लिखे तो ये प्लस में है कि माइनस में है,
ये प्लस में है क्योंकि ये प्लस छुपा हुआ होता है। इसीलिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल रहता है तो वेरिएबल के पावर देखना है। ये देखिए पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे पावर सिक्स है, दोनों में कौन बड़ा है? हमेशा जो देखना है ना वो वेरिएबल का ही पावर देखना है। एक वेरिएबल का पावर वन है, एक वेरिएबल का पावर सिक्स है, तो इसलिए इसका डीएपी का वैल्यू कितना हो गया? सिक्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। अगर मान लिया ऐसा सवाल रहेगा 78 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसका डीओपी का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें जो डीओपी का वैल्यू निकलेगा, देख पा रहे होंगे इसमें डीओपी का वैल्यू कितना होगा, हम क्या बोले कि वेरिएबल देखो भाई, तो यहाँ वेरिएबल के पावर कितना है? टू। यहाँ वेरिएबल के पावर, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो वन। तो अब बताइए वन और टू हमेशा पावर देखा जाता है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? तो अगर किसी पॉलिनोमियल का हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहता है, किसी भी एन पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग डीओपी कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? एक्स एक्स दो जगह है, एक्स पावर दो है, एक जगह पर वन है, तो डीओपी हो गया कितना? टू। अगर मान लिया ऐसा सवाल ना होता, कुछ ऐसा सवाल होता माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स के पावर सेवन एट एक्स के पावर एट, तब इसका डीओपी का वैल्यू कितना होगा? ऐसा भी सवाल आ सकता है, घबराइए नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर सब तो ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये सब का सब तो मैं किसी में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, जैसे स्पेशल आठ था, यहां तो सब में एक्स है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? सब में एक्स के पावर को देखो, यहां पे देख पा रहे होंगे वन, यहां पे देख पा रहे होंगे सेवन, यहाँ x के पावर 8, तो DOP का वैल्यू कितना होगा? जी बिल्कुल 8 होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो वेरिएबल होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का कॉफिशियंट कैसे दिखते हैं, यानी कि कॉफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इस चीज को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री की जगह पे हम सिर्फ मिटा के क्या करने वाले हैं? कॉफिशियंट। कॉफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जरा कॉफिशियंट का मतलब क्या हुआ? अगर कॉफिशियंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किया हुआ रहे, ठीक, और आप इसको देखकर बता सकते हैं, तब इसको बोलते हैं हम लोग कि कॉफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी कि कॉफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो किसी ना किसी वेरिएबल का क्या हो, फैक्टर हो, मल्टीपल हो, सॉरी मल्टीपल हो, है ना। यहां पे लिखेंगे इसके नीचे कुछ बोल कर लिखवाते हैं, लिखा जाए लिखेंगे which factor is multiple of multiple of variable
इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। चलिए देखते हैं हम लोग कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो अभी हम लोग सीखे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसका फैक्टर होता है, उसी का मल्टीप्लाई होता है, उसी का गुना होता है। जैसे दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा -3x² + 4x + 8, ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आपको वेरिएबल कहाँ कहाँ दिख रहा है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड यही सब वेरिएबल है। तो वेरिएबल दिख रहा है हमें पहला टर्म में, वेरिएबल दिख रहा है दूसरे टर्म में, क्या यहाँ वेरिएबल है, नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होता है, उसके बगल वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है -3, तो ये हो गया -3। अगर उसी तरीके से पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हुआ, तो एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल में किसके साथ मल्टीपल है, 4 में, तो यहां हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हमको अगर बात किया जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए, तो यहां तो एक्स क्यूब है नहीं भाई, एक्स का क्यूब कहीं दिख रहा है तो दिख नहीं रहा है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। जब कोई कोएफिशिएंट अगर नहीं दिखता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो आज हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और दूसरा कि हम लोग ये भी सीखे कि पॉलिनोमियल कब कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा जब वो स्क्वायर रूट में रहेगा, पावर अगर माइनस में रहेगा वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।